यहाँ कब से आए हैं आप? हम यहाँ आए हैं संडे से। यहाँ कैसी व्यवस्था है? एकदम व्यवस्था नहीं है, पूरी अव्यवस्था है। यहाँ कुछ भी नहीं है। हालत यहाँ पर यह है कि पंखे आधे चल रहे हैं, आधे नहीं चल रहे हैं। जो हम लोगों को मिला हुआ है वो बिस्तर जो है ऊपर कोई कवर नहीं है, एकदम गंदा है, चारपाइयां टूटी हुई है। हालत यह है कि कोई यहाँ पर कभी जो है झाड़ू लगाने नहीं आता। झाड़ू लगाने की बात छोड़ दीजिए, दवा का छिड़काव नहीं होता है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी का आलम यह है कि आप देखिए, मुझे तो पूरे छींके टहल रहे हैं, रात में पेड़ पर चढ़ जाते हैं और काटते हैं। जो हम लोगों को केवल खाना मिलता है, खाना के अलावा कुछ नहीं मिलता। खाने की हालत यह है कि सुबह थोड़ा सा कोहरा जाता है या घुघरी आ जाती है। नाश्ते की भी हालत यह है कि सुबह इतना नाश्ता नहीं दिया जाता कि सबको मिल पाए, नाश्ता कम पड़ जाता है। दोपहर में 1 बजे चावल दाल रोटी सब्जी आ जाता है, आज बाटी आया था इसके बदले दिया रोटी की। शाम को 9 बजे के करीब हम लोगों को जो है खाना दिया जाता है। शाम को 2 रुपए का बिस्कुट और चाय दिया जाता है, वो भी कोई देने नहीं आता। सब कुछ ला के वहीं गेट बदल देते हैं, हम लोग ला के यहाँ पर बांटते हैं। गंदगी का आलम यह है कि चारों तरफ आपको काढ़ा दिया जाता है आयुष मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय का कोई काढ़ा नहीं किया जाता। इसके अलावा जो है हम लोगों को गर्म पानी की भी सुविधा नहीं है। हम लोग अपनी अपनी केतली लाए हैं, उसमें गर्म पानी करते हैं, एक दूसरे को आवश्यकता पड़ने पर देते हैं। पीने के लिए बाथरूम से हम लोग पानी लेते हैं। पीने के पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। माने स्थिति यह है कि कल परसों 2-3 दिन हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। यहाँ जो डॉक्टर है तो कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तीन दिन पर आज किसी तरीके से जो है पूरा आधा उठाया गया, झाड़ू तो लगा ही नहीं। एक मशीन लेके आए और किनारे किनारे जो है थोड़ा सा करके फोटो, जब कोई विरोध करिए तो केवल जहां जहां साफ सफाई है वहां का फोटो लेके भेज देते हैं बाहर। जो अंदर गंदगी है उसको यथावत छोड़ देते हैं। समाज के पथ पर आए।